इस साल अभी जो 14 दिसंबर को ग्रहण लगने जाने वाला है सूर्य ग्रहण, ये होगा मंगल की राशि वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि जो है वो 8वें स्थान के स्वामी है बेसिकली, कुंडली नेचुरल कुंडली के अंदर। और 8वां स्थान दरअसल बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता जहां तक ज्योतिष शास्त्र का सवाल है। और अब इसमें ध्यान देने योग्य बातें जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहली ये कि 14 तारीख को वृश्चिक राशि में 5 राशियों का सहयोग होगा, 5 ग्रहों का सहयोग होगा और उसके साथ राहु के 6ठे ग्रह की दृष्टि होगी। यानी लगभग 6 ग्रहों के संयोग, यानी कि गोचर में एक दूसरे के साथ रहने की वजह से एक अजीब तरह का माहौल क्रिएट होगा। अजीब तरह का माहौल मैं क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो ये वृश्चिक राशि है जो कि 8वें स्थान की राशि है, और दूसरा सूर्य चंद्र केतु के साथ होंगे, चंद्रमा नीच का होगा। बुध और सूर्य दोनों एक दूसरे के साथ 3 डिग्री के रेडियस में होंगे, यानी कि बुध भी अस्त होगा। तो ये सिचुएशन जो है बेसिकली एक ऐसा इंडिकेशन करती है कि चंद्रमा नीच का, बुध अस्त, बुध बुद्धि का कारक होता है, चंद्रमा तेज गति से चलने वाले दिमाग का, मन का कारक होता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि एक जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी है, एक सोचने की, और एक किसी भी वस्तु विशेष के ऊपर ध्यान देकर के आगे किस तरह से बढ़ा जाए, ये नतीजा निकालने की जो एक कैपेसिटी होती है, उसको ये ग्रह जो है एडवर्स तरीके से प्रभावित करता है। प्लस इसमें आग में घी का काम करता है गुरु ग्रह, क्योंकि वो गुरु ग्रह इस वक्त गोचर में नीच का है। सद्बुद्धि का कारक गुरु ग्रह अगर नीच का हो तो सद्बुद्धि के ऊपर एक सवालिया निशान लग जाता है। तो ये अगेन उसी चीज के अंदर जो है थोड़ा सा और गलत तरीके से आगे बढ़ने के लिए इंसानों को प्रेरणा देता है। तो इसके नतीजे बेसिकली हम देखते हैं कि किसी भी तरह से शुभ नहीं हो सकते। और ये हमें देखना होगा कि इसके नतीजे भारतवर्ष और भारतीयों के लिए कितने अशुभ है, कितने शुभ है। तो इसमें हमारे लिए थोड़ा सा फायदा क्या हो रहा है कि ये ग्रह हिंदुस्तान में पूरी तरह से विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं होने की वजह से बेसिकली इसका प्रभाव, एक जो एक मालेफिक इफेक्ट आना चाहिए, वो पूरी वेलोसिटी, पूरी इंटेंसिटी के साथ नहीं आए। लेकिन क्योंकि ग्रहण है और सूर्य चंद्र प्रभावित है बुरी तरह से, चंद्रमा नीच का है वृश्चिक राशि में, बुध अस्त है और गुरु नीच का है, तो इसके प्रभाव जरूर पड़ेंगे। कहाँ पड़ सकते हैं ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो, और साथ ही साथ ये आत्मा, आत्मविश्वास और मन, मन की शक्ति, इनके कारक है, सिग्निफिकेटर है, राइट। तो जब यहाँ ग्रहण लगेगा तो ये ग्रहण आने वाले अगले 6 से 12 महीने तक जो एक आत्मविश्वास जो एक होना चाहिए, जिसे संजो करके इंसान एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे आगे बढ़ता है और एक विकास की ओर, प्रगति की ओर कदम बढ़ाता है, तो वो जो है पूरी तेज गति से के साथ हो पाए उसकी संभावना कम हो जाती है। और दूसरा, क्योंकि ये सूर्य चंद्र माता पिता का कारक है, तो बेसिकली यानी ऑल दोज हु आर अबो मध्य आयु यानी कि उम्र के 64 वर्ष, तो 60 से 64 वर्ष के ऊपर के जितने भी लोग हैं, उन लोगों के लिए ये ग्रहण जो है वो शुभ संकेत नहीं दे रहा है। क्योंकि तो इस ग्रहण के ऊपर बेसिकली किसी शुभ ग्रह, शुक्र या गुरु की दृष्टि भी नहीं है। ये बेसिकली देखें तो कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा शुभ संकेत तो ऐसे नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ग्रहण हिंदुस्तान में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े वो घबराहट भी मन में लेके नहीं चलनी है।